सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके तहत सभी भारी मालवाहक वाहनों और भारी यात्री वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस की जांच 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी, जिसे उत्तराखंड सरकार 2022 में ही लागू करने जा रही है। इसको लेकर हरिद्वार के ट्रेवलर्स व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही देहरादून के साथ पूरे राज्य में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम किया गया था, मगर प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। सोमवार को इसके खिलाफ ट्रेवल्स व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। हमारे साथ पंचपुरी यूनियन, टैक्सी मैक्सी यूनियन, हरिद्वार टैक्सी एसोसिएशन, ये सब हमारे साथ शामिल थे। और हमने ये प्रदर्शन इसलिए करा, एक तो ये ऑटोमेटिक फिटनेस जो लाल तप्पड़ में इन्होंने लगाया है, ये बहुत दुखदायी आने वाले टाइम में हमारे को साबित होगा और अब भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गाड़ी जाएगी वो पास नहीं हो पाएगी। फिर ये अपनी शर्तों पे हमारे से हमारी गाड़ियों की फिटनेस करेंगे। जो हमने ज्ञापन दिया है वो एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, जिसमें 10 साल पुरानी गाड़ियों का विरोध है और फिटनेस सेंटर जो बनाए गए हैं ऑटोमेटिक के, उनका विरोध है। कि 10 साल पुराने वाहन रोड से हटाने का जो तालिबानी फरमान घोषित करा गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो ये फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं, गुंडागर्दी के अखाड़े बना दिए इन्होंने, उसका विरोध।